राम राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक है हाथ से कबूतर की बराई। जी हमारा बच्चा 10 दिन का है, इसके माँ बाप ने इसको दाना खिलाना बंद कर दिया। अब जो 2 दिन से मैं अपने हाथ से इसको दाना खिला रहा हूँ, जी है काला चना। काला चना 24 घंटे भीगा हुआ इस बच्चे को सुबह शाम खिलाते हैं। सुबह शाम खिलाते हैं 24 घंटे भीगा हुआ। उनके माँ बाप ने बिल्कुल खिलाना बंद कर दिया। अब इसको हम अपने हाथ से खिला रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि ये कितने दिनों में बड़ा हुआ। हो जाना 30-30, 35-35 चने खिलाते हैं सुबह शाम। और उनके माँ बाप ने बिल्कुल भी खिलाना बंद कर दिया और वो फिर से जोड़ों पर आ गए हैं। आपको दिखाएंगे जो बच्चे मैं अपने हाथ से फीड करा कर उसको बड़ा करूँगा। बच्चे ने खिला के और 5 बूंद विमरल, 5 बूंद विमरल की और 5 बूंद लिफ्ट फिफ्टी टू की पानी में देनी है सिरिंज के द्वारा। ये सिरिंज है, सिरिंज के द्वारा 5-5 बूंद पानी में देनी है। सुबह शाम रोजाना अपने हाथ से फीड करवा रहा हूँ। आपको दिखाऊंगा कि ये कितने दिनों में बड़ा हो जाएगा। हेलो दोस्तों, ये हमारा भी बच्चा है, ये अब 20 दिन का हो चुका है, जो हमने चने और भिमरत लिफ्ट टू खिलाई थी मैंने। ये बच्चा हमारा 20 दिन का हो चुका है, देखो कितना बड़ा हो चुका है ये बच्चा। ये हमसे दाना मांगता है, फिर हम इसको वो चने फिर बढ़ाएंगे इसको। जी बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है और तुम्हें जब पूरा बड़ा हो जाएगा पत्ता हमारा कबूतर का फिर देखाएंगे। अब जी 20 दिन का हो चुका है, इसको हम ही हाथ से बढ़ाते हैं सुबह शाम। वो 30-30 चने, 30-35, अब इसकी ने 40 कर दिए। जी वही बच्चा है, अब जी पूरा 1 महीना हो चुका है, अब जी पूरा 1 महीना का पट्टा हो चुका है, जो हमने हाथ से अपने फीड करवाई थी। जिस तरीके से बच्चे को आप भी बड़ा कर सकते हैं।